रखिए मेरे प्यारे बहन भाई। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। आज मैं आपको वजीफ़ा बताने लगी हूँ, बहुत नायाब है, बहुत प्यारा है, अपने प्यारों को पा लेने का है। अगर कोई लड़ाई झगड़ा है, हस्बैंड वाइफ में कोई मसला है, परेशानी है, तो वो भी ये अमल कर सकते हैं। और अगर मतलब कि छोटी से छोटी भी किसी के साथ लड़ाई है, नाराज़गी है, कोई नाचाकी हो गई, कोई गलती हो गया, तब भी ये जुनसा है अमल आप करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप देखिएगा इसका कितना असर होता है अपने प्यारों को पा लेने का। ये वजीफ़ा है, अगर आप इस वजीफे को एक दफ़ा करें और फिर आप यकीन माने मुझे ज़रूर दुआएं दीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में भी बताइएगा। मस्जिद की सफाई, आज की सबसे प्यारी अहदीस की तरफ चलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मस्जिद में से ऐसी चीज़ को बाहर किया जिससे तकलीफ़ होती थी, जैसे कोई कांटा, कोई कूड़ा कबाड़ जो असली फर्श से कंकर या पत्थर जो होता है, या कोई पीस जैसे कोई शीशे का पीस हो जाता है, या कोई ऐसी चीज़ जो तकलीफ़ देती है, अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत में एक घर बना देंगे। अल्लाह ताला यकीन माने कि अपने बंदों की आप वैसे भी रास्ते से कोई पत्थर भी हटा दें ना, तो अल्लाह पाक उसका भी सवाब देते हैं। आप सिर्फ ये देखें, अल्लाह पाक बहुत बहुत अजीम है। आपकी छोटी छोटी नेकियों से यकीन माने एक दिन आप जन्नतुल फिरदौस में हम सब इकट्ठे होंगे, ठीक है। लेकिन सिर्फ बात ये आ जाती है कि थोड़ा सा जो है अपने माहौल बनाए, अपने बच्चों में जो आप मुंतकिल कर रहे हैं, जो नए जो नस्लें हैं उनमें आप देखें कि आप क्या मुंतकिल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ ख्याल रखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी छोटी प्यारी प्यारी हदीसों से शुरू करें, अपने घर की ज़िंदगी बदलें, अपने घर के तौर तरीके बदलें, इखलाक बदलें। यकीन माने नस्लें जो है सदका जारिया भी हैं और फितना भी है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखें। अगर वालदैन औलाद को पैदा करते हैं, बेशक वो अपने लिए सदका जारिया बना दें या फिर फितना बना दें, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो बेहतर यही है कि अपने लिए जो उनसे है सदका जारिया बनाएं, ना कि फितना। आज के सबसे प्यारे वजीफे की तरफ चलते हैं, किसी को अपनी मोहब्बत में बेकरार करने का, चाहत में उसको अपनी तरफ मुसख़र करने का। अगर कोई मियाँ बीवी का मसला है तो ये वजीफ़ा भी लाजमन ज़रूर करें, बहुत प्यारा है। और एक बात याद रखिए, वजीफ़ों का गलत इस्तेमाल मैं आपको हमेशा कहती हूँ नहीं करें, और अच्छे तरीके से ये वजीफ़ा कीजिएगा। चांद की पहली जुमेरात यानी नौ चंदी जुमेरात, या अगर चांद की पहली जुमेरात जो भी पहली दूसरी तरीके में हो तो उसमें भी ये कर लें। 41 रोज़ यानी कि आपने सिर्फ और सिर्फ, मैं इतना लंबा वजीफ़ा इसलिए बता रही हूँ, वैसे 7 दिन पहले आप इसको करें, ठीक है। और जो है इसका असर जो है 41 रोज के बाद शुरू होगा, ठीक है ना। हर रोज बाद नमाज इशा एक गुलाब का फूल आप ले लें, ठीक है। हर रोज बाद नमाज इशा आपने उस गुलाब के फूल पे नमाज पढ़ने के बाद पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। और आप बताइएगा कीजिएगा कि जो आपने मतलब कि भाई लोग जो उनसे है ना, वो फूल आपने जो मतलब कि रात को पढ़ाई करेंगे ना, किसी भी मतलब के जैसे आप लगा लें कि किसी भी वक्त आप उठकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो लेकिन इशा हो, तहज्जुद हो, फजर हो, ठीक है, मैं ये दो टाइम फिर भी आपको दे देती हूँ। पढ़ाई 101 मरतबा सूरह इखलास की पढ़नी है, ठीक है। पढ़ने के बाद गुलाब के फूल पे दम करना है। अब गुलाब का फूल आप जाकर किसी की कब्र मुबारक पे भी रख सकते हैं, ठीक है। अगर ये भी नहीं कर सकते तो वो गुलाब का फूल अपने घर में किसी पौधे पे लगा दें, ठीक है ना, पौधे पे लगा दे। ये अमल कम से कम 7 दिन आपने करना है, फूल वाला अमल। एक ही फूल हो और 7 दिन तक वो कम से उसको पानी में रख लीजिएगा ताकि उसका पानी से वो मुरझाएगा नहीं, ठीक है ना। या आप उसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, फूल मुरझाता नहीं है। अगर उसके पत्ते भी टूट जाए उसकी भी हिफाजत कीजिएगा, उसके ऊपर पढ़ाई कर लीजिएगा, एक ही फूल रखिएगा। और अब आपने क्या करना है कि वो जो जब फूल मतलब कि उसको आप किसी अपने घर में किसी भी जगह किसी उस पर लगा सकते हैं, कोई गमला हो उसके ऊपर कोई पौधा हो तो उस पौधे पे लगा दे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब एक बात याद रखें, एक ख्याल रखें कि कम से कम वो ज़मीन पे ना गिरे, उसकी कोई पत्ती ज़मीन पे ना गिरे, ठीक है। एक ज़र्रा उसकी पत्ती ज़मीन पे रहे, गमले में गिर जाए, ज़मीन पे ना गिरे, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। नहीं तो जैसे ज़मीन पे पत्ती गिरी तो जिसके लिए अमल किया जा रहा है ना उसका दिल टूट जाएगा, मतलब कि वो दोबारा आपकी तरफ माइल नहीं होगा, ठीक है ना।
अब आपने क्या करना है, जिस तरह मैंने आपको बताया वो लगा रहने दे, वो फूल कम अज कम ना आप रोजाना देखते रहें, ठीक है, वो सूख जाएगा, बिल्कुल सूख जाएगा। जब वो बिल्कुल सूख जाए ना, और जो उसकी पत्तियां मतलब कि अगर गमले में गिरती हैं वो भी संभाल लें। अब हर वक्त आप जो है उसकी हिफाजत तो नहीं ना कर सकते ना, तो वो पत्तियों को बस आपने अपने पास संभाल के रखना है, सिर्फ पत्तियों को आपने रखना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने वो जो गुलाब की पत्तियां हैं ना, जब वो सारी सूख जाए ना, आपने वो इकट्ठी कर लेनी है। इकट्ठी करने के बाद उनको चमेली के तेल में या जो भी तेल आप इस्तेमाल करते हैं सर में लगाने के लिए, वो उनके अंदर डाल दें, जिन पे मतलब कि पढ़ाई की हुई है ना आपने, तो उसके अंदर डाल दें। आप बेशक इनको गिफ्ट भी कर सकते हैं, इस ऑयल को गिफ्ट कर सकते हैं, आप इसको परफ्यूम में, अतरों में भी डाल सकते हैं। पत्ती का एक पत्ती डाल दोगे ना, ये इतना मोतबर है, जैसे ही वो खुशबू वो लगाएगा, या वो पत्ती का मतलब कि जो फूल की पत्ती है वो उसके अंदर ही होगी ना, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये भी मुश्किल है, तो आप अगर किसी को गिफ्ट कर रहे हैं परफ्यूम, ठीक है ना, या आप अपने लगा कर अपने जो है मुसखर करने वाले के सामने जाते हैं, तो तब आप पता क्या करें, आप वो परफ्यूम के अंदर जो पत्ती आपने डाली है ना, उसको पानी में थोड़े से घोल के ना, उसका अरक निकाल के ना पत्ती का, तो वो अपने अतर में डाल दें। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, अगर गिफ्ट करना है, अगर खुद लगाना है, तो बेशक पत्तियां बीच में डाल दें, कोई मसला नहीं है। बस आपने वो हिफाजत से रखनी है, क्योंकि मैं कहती हूँ अगर पत्तियां संभाल लें ना आप, तो पूरी जिंदगी काम आ सकती हैं। तो ये मियाँ बीवी के लिए तो बहुत मोतबर है, किसी को मुसखर करने के लिए बहुत मोतबर है, किसी बहन का रिश्ता नहीं हो रहा उसके लिए भी बहुत मोतबर है। एक दफ़ा ये अमल करके देखिएगा, ये बहुत ज़बरदस्त अमल है। किसी के साथ इजाज़त दे, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।